सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जनाब गौस पाक जी के बचपन का एक अनोखा किस्सा, एक करामात के बारे में बताएंगे। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यह बात उस समय की है जब जनाब गौस पाक जी की उम्र 11 साल की थी। जनाब गौस पाक और उनके दोस्त हर रोज एक जगह इकट्ठे होकर खेला करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जनाब गौस पाक जी के सभी दोस्त आए, पर उनमें से एक दोस्त नहीं आया। जब जनाब गौस पाक जी ने अपने दोस्तों से पूछा कि हमारा वह दोस्त आज खेलने क्यों नहीं आया, तो उनके दोस्तों ने बताया कि आज उसकी बारी थी और हम सब ने छुपना था और उसने हमें ढूंढना था। अपनी बारी देने के बदले शायद वह नहीं आया, इस बारे वह अपने घर पे ही रुक गया। अपने दोस्तों की यह बात सुनकर जनाब गौस पाक जी बोलने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे दोस्त को आज बारी तो देनी ही पड़ेगी, वह अपनी जे खेल छोड़कर नहीं जा सकता। अपने दोस्तों को साथ लेकर जनाब गौस पाक अपने उस दोस्त के घर गए। जब घर में गए तो क्या देखते हैं, उस घर में सभी रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं और उस लड़के की माँ भी बहुत जोर से रो रही है। सभी रिश्तेदार साख संबंधी भी आए हुए हैं और सभी रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। यह देखकर जनाब गौस पाक जी ने अपने दोस्त की माँ से पूछा कि माँ, आप सभी रो क्यों रहे हो। जनाब गौस पाक की बात सुनकर वह माँ बोली कि बेटा क्या बताऊं, आज तेरे दोस्त की मौत हो चुकी है, वो हम सबको छोड़कर चला गया है। यह बात सुनकर जनाब गौस पाक बोले कि माँ, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा दोस्त नहीं मर सकता। तो वह माँ बोली कि बेटा, दुनिया में ऐसे कौन सी माँ होगी जो झूठ बोलेगी कि उसका बेटा मर गया है। अगर तुमको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो वह सामने तुम्हारा दोस्त पड़ा है, उसका कफन उठाकर देख लो कि वह जिंदा है कि मरा हुआ है। उस माँ की बात सुनकर जनाब गौस पाक जी बोलने लगे कि ठीक है माँ, अगर तू बोल रही है तो मैं तेरी बात को मान लेता हूँ। तुम एक काम करो, अपने बेटे की लाश के पास जाओ, उसका कफन उठाओ और उससे बोलो कि तुम्हें गौस पाक ने बुलाया है। तो माँ बोलने लगी कि बेटा, जो इंसान इस धरती से चला जाता है, मौत को प्राप्त हो जाता है, वह कभी भी वापस नहीं आता। मेरा बेटा भी मर चुका है, वह कभी वापस नहीं आएगा। उस माँ की बात सुनकर जनाब गौस पाक बोले कि माँ, तुम एक बार जाओ तो सही, जाकर उसको बोलो कि तुझे तेरे दोस्त गौस पाक ने बुलाया है। जनाब गौस पाक की बात सुनकर वह माँ अपने पुत्र की लाश के पास गई। जब उसने कफन उठाया तो वह अपने मरे हुए बेटे को देखकर बहुत रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद जब वह थोड़ा संभली तो उसने अपने बेटे के कान में कहा कि उठ बेटा, तुझे तेरी माँ बुला रही है। पर वह बेटा तो सदा की नींद सो चुका था, वह कैसे उठता। फिर उसकी माँ ने कहा कि उठ बेटा, तुझे सभी बुला रहे हैं, तेरे दोस्त बुला रहे हैं, वो तुझे लेने आए हैं खेलने के लिए। पर वह लड़का ना उठा। जब तीसरी बार उस माँ ने कहा कि उठ बेटा, तुझे गौस पाक ने बुलाया है, बस इतनी बात कहने की देर थी कि वह बेटा, वह लड़का छाल मार कर उठ खड़ा हुआ। और यह देखकर सभी हैरान परेशान हो गए कि एक मरा हुआ लड़का जिंदा कैसे हो गया। सो प्यारे दोस्तों, छोटी सी उम्र 11 साल की उम्र में ही जनाब गौस पाक जी ने अपने मरे हुए दोस्त को जिंदा किया था। ऐसी शान है मीरा गौस पाक जी की, जो बचपन से पैदाश से ही वह बली थे, अल्लाह के महबूब थे। बहुत ऊंचा रुतबा है जनाब गौस पाक जी का। सो जनाब गौस पाक आप सभी की आस मुराद को पूरा करें और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।